इसके बाद यहाँ पे आपको मैक्सिमम रेंज ऑफ लोन मिलेगा, जैसे कि 25,000 रुपीज तक का लोन। टिक बॉक्स पे क्लिक करके अप्लाई नाउ पे आपको जाना है, और यहाँ पे सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि पिन कोड, सिटी, ये बताना पड़ता है। देन इसके बाद और ऊपर बढ़ेंगे तो स्टेट, फिर एड्रेस लाइन वन, एड्रेस लाइन टू, इसके अलावा ओनरशिप टाइप, जिस भी एड्रेस पे आप लोग रहते हो वो खुद का घर है आपका या रेंट पे रहते हो, ये बताने के साथ एक मोबाइल। तो लोन एप्लीकेशन की तो ऊपर काफी बार बात कर चुके हैं हम लोग, और अभी भी बात करते ही रहते हैं, जहां पे हम आपको जैसे जैसे छोटे अमाउंट के लोन हो सके या बड़े अमाउंट के लोन हो सके उसको किस तरीके से आप लोग ले सकते हो और सीधा अपने बैंक खाते में पा सकते हो, उसके ऊपर भी हम डेडिकेटेड वीडियोस लाकर देते रहते हैं और आगे भी देंगे। अभी फिलहाल हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि आपको सुन के अच्छा लगेगा कि 25,000 रुपए तक का भी आपको यहाँ पे एज अ मैक्सिमम अमाउंट आप इसको मान सकते हो कि 25,000 रुपए का तो लोन यहाँ पे मिल जाता है ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये फाइनल इसका यही एलिजिबल अमाउंट है। लेकिन सवाल ये बनता है कि एप्लीकेशन है कौन सा, ये एप्लीकेशन से क्या लोन लिया जा सकता है। और कई बार जो लोग है ना ऑल्टरनेटिव मेरे से भी पूछते हैं कि मान लो कि जैसे मैं तो ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूं, जिस भी एप्लीकेशन की बात हो रही है वो तो अभी आपको आगे चल के पता चल ही जाएगा, लेकिन मान लो कि एप्लीकेशन से अप्लाई किया लोन और अप्लाई करने के बावजूद लोन नहीं मिल पाता उन्हें, तो जब लोन नहीं मिलेगा तो क्या उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव और कोई एप्लीकेशन या और कोई तरीका है जिससे वो लोन ले पाएंगे। तो इन दोनों चीजों के ऊपर बात करेंगे, पहले तो जिस एप्लीकेशन से हमें लोन लेना है उसके बारे में बात, और अगर आपको इस एप्लीकेशन से लोन नहीं भी मिल पाता तो देन व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन। तो दोनों ही चीज समझने के लिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा, तभी आपको लोन अप्लाई करने का सही माध्यम पता चल पाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, पूरी वीडियो को अंत तक देखने के बाद जाकर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले जिस लोन एप्लीकेशन से हमें लोन लेना है वहां से हम आपको लोन अप्लाई करके दिखाते हैं। इस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं वो आपके सामने ओपन हो चुकी है। एप्लीकेशन के ओपन होने के साथ में सबसे पहले यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है और लैंग्वेज को चूज करना होगा, जो भी आपकी लैंग्वेज है, चाहे वो आपकी इंग्लिश को आप पसंद करते हो एज अ कम्युनिकेशन या जो भी हिंदी को चूज करके आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको सिंपली आगे बढ़ना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले 10 डिजिट मोबाइल नंबर देना होगा। याद रहे मोबाइल नंबर जो है आपके ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट करेगा, तो मोबाइल नंबर डालना है, टिक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आगे सबमिट पे क्लिक करना है, तो जो ओटीपी वेरिफिकेशन है वो सेगमेंट कंप्लीट किया जाएगा। वो सेगमेंट जैसे ही कंप्लीट होगा तो यहाँ पे आपको सिंपली जो भी परमिशंस है वो आपको यहाँ पे अलाउ करनी पड़ेंगी। परमिशंस को आपको सिंपल तरीके से एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके अलाउ करके आगे बढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे लोकेशन जो है उसको भी अलाउ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ कुछ चीजें कि आपको बेसिक प्रोफाइल रिलेटेड जैसे कोई भी जानकारी होगी, जैसे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो आपके पैन कार्ड के आधार पर जो नाम वगैरह है, डिटेल्स वगैरह है, वो सब आप दे देना, इफ रिक्वायर्ड वो पूछा ही जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप सैलरीड बेसिस पे कहीं काम करते हो, नौकरी पेशा हो, तो आपको अपनी कंपनी रिलेटेड जानकारी देनी ही पड़ेगी, जैसे यहाँ पर है नेम ऑफ योर कंपनी, ठीक है। अब इसके अंदर एक बात समझ लो कि जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे नेम ऑफ योर कंपनी में जाओ और यहाँ पे आप जिस कंपनी के अंदर काम करते हो और वो कंपनी इसके अंदर लिस्टेड हो ही, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो उस केस में क्या, जब मान लो इसके अंदर आप जब कंपनी सेलेक्ट करते हो और जब कंपनी नहीं मिलती, तो जब आपकी इसके अंदर कंपनी नहीं है तो एक ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा जो है अदर्स का ऑप्शन, उस पर क्लिक करके आपको कंफर्म करना पड़ता है। इसके बाद आपको अपने पैन कार्ड से रिलेटेड जानकारी जैसे पैन कार्ड का नंबर, पैन कार्ड पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ और शायद आपका फादर नेम या फिर आपके खुद का नाम भी हो सकता है, वो डिटेल्स देके नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है और कंफर्म करना होता है कि जितनी भी डिटेल्स अभी आपने भरी हैं अपने पैन कार्ड के आधार पे या फिर जो भी चीजें भरी हैं वो एग्जैक्टली सही हैं। तो यस आई कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको मैरिटल स्टेटस से रिलेटेड जानकारी और जेंडर रिलेटेड जानकारी भी देनी पड़ती है कि आप शादीशुदा हैं या सिंगल है। इसके अलावा जेंडर के रिगार्डिंग क्या मेल है, फीमेल है या फिर कुछ और, ये बताने के साथ में आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कंप्लीट करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि बेसिक प्रोफाइल रिलेटेड चीजें मैं आपको शायद बहुत कम ही बता पाया, लेकिन जितना भी बता पाया वो शायद बहुत होगा और आप समझ चुके होंगे इतना कि आपको भाई कैसे कैसे एप्लीकेशन के अंदर एंट्री करके चीजों को कंप्लीट करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ इमेजेस मैं आपको ना भी दिखा पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन हाँ जिस हद तक मैंने यहाँ पे कोशिश करी वो मैंने चीजें आपको कंप्लीट करके दिखाया कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने में इन भाई इन इन चीजों का सहयोग तो चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको मैक्सिमम रेंज ऑफ लोन मिलेगा, जैसे कि 25,000 रुपीज तक का लोन। टिक बॉक्स पे क्लिक करके अप्लाई नाउ पे आपको जाना है और यहाँ पे सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि पिन कोड, सिटी, ये बताना पड़ता है। देन इसके बाद और ऊपर बढ़ेंगे तो स्टेट, फिर एड्रेस लाइन वन, एड्रेस लाइन टू, इसके अलावा ओनरशिप टाइप, जिस भी एड्रेस पे आप लोग रहते हो वो खुद का घर है आपका या रेंट पे रहते हो, ये बताने के साथ एक मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से भी आप सारा काम कर रहे हो उसके अलावा कोई दूसरा मोबाइल नंबर दे के वेरीफाई बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद उस पर ओटीपी वेरिफिकेशन किया जाएगा और पे आपको सिंपली कंसेंट पे टिक मार्क करके आपको आगे बढ़ना पड़ता है। इसके बाद फाइनली आपके हिसाब से आपको लोन अमाउंट दिखा दिया जाता है कि मिनिमम टू मैक्सिमम कितने रेंज का आपको लोन मिल सकता है और साथ ही में लोन लेने का रीजन और साथ में कितने समय के लिए लोन चाहिए वो भी आपको चूज करके ईएमआई शेड्यूलिंग कर सकते हो। इसका मतलब वो तारीख निश्चित जिस तारीख के दिन आपका ईएमआई का पैसा कट जाए, ठीक है। ये चीज कंप्लीट करने के साथ आप आगे बढ़ेंगे और ये एक्सपीरियंस जो आपकी क्रेडिट स्कोर को निकालता है, एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा हमें और फाइनली आपने अपनी तरफ से पूरी डिटेल्स दे दी है। अब ये जैसे ही अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद की क्रेडिट स्कोर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से जैसे भी एक से दो दिन के अंदर अप्रूव हो जाता है तो बाकी के अगर केवाईसी रिलेटेड जानकारी हो या केवाईसी रिलेटेड कंफर्मेशन हो वो कंप्लीट कर देना।
बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐसी, और शायद लोन एग्रीमेंट जैसी चीजें हो तो वो भी कंप्लीट कर देना। तो ये सारी चीज रिक्वायर्ड हो सकती है। तो मैंने आपसे वही कहा था कि जितनी भी चीजें मेरे एंड से पॉसिबल होगी मैंने आपको पूरा दिखाया कि भाई एप्लीकेशन इस तरीके से काम करती है। हाँ, बस जैसे ही एक एक से 1 से 2 दिन के अंदर रिव्यू कंप्लीट होता है उसके बाद के प्रोसेस को भी आप लोग कंप्लीट कर लेना। फाइनली आपको पता चल पाएगा कि आपका लोन अप्रूव हुआ है या नहीं। अप्रूव हुआ होगा तो आगे के फर्दर प्रोसेस कंप्लीट करके पैसा बैंक में मिल जाएगा, और अप्रूव नहीं हुआ होगा तो खैर बात ही क्या है। लेकिन अभी तक बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अभी ये सारा प्रोसेस तो किया हमने, देखा मैगी किस तरीके से लोन लेना है, लेकिन ये किया तो किया किस एप्लीकेशन से? तो चलिए वो बता देते हैं। सबसे पहले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं आप तो लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करने के साथ कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो, और अगर आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन चाहिए तो उसका लोन लेने का रीजन क्या है। साथ ही बता दिए वीडियो देख रहे हैं जिसके टाइटल है, टाइटल पर जैसे क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर आपको मिलेगी वेबसाइट लिंक। सबसे पहले वेबसाइट लिंक पे आपको जाना है। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करने के साथ ही लोन पावर डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी जहां पे मिलेगी तमाम तरीके की कैटेगरीज। यहाँ पे आपको ऐप, लोन, पर्सनल लोन बहुत सारी कैटेगरीज मिलेगी। तो यहाँ पे सिंपली आपको सर्च पे जाना है, और जिस प्लेटफॉर्म से हमने लोन लिया है या ये कहा जाए कि जिस एप्लीकेशन से हम लोगों ने लोन लिया है वो है बेटर प्लेस मनी। ठीक है, यहाँ पे हमने सर्च करना है उस आर्टिकल को, हमारे सामने आ जाएगा कि बेटर प्लेस मनी एप्लीकेशन से इंस्टेंट लोन कैसे लेंगे। आर्टिकल पे क्लिक किया और आपको पता है हमारे सामने हमारा आर्टिकल खुल जाएगा जहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है भाई सब की बेटर प्लेस मनी एप्लीकेशन क्या है, बेटर प्लेस मनी एप्लीकेशन से लोन कैसे मिल सकता है। हम यहाँ पे इस एप्लीकेशन तक इसलिए आए ताकि हम एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर पाए। तो बता दें विजिट की लिंक मिलेगी, इस विजिट के लिंक पे क्लिक करके सीधा इस एप्लीकेशन को आप लोग अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लिंक है सीधा गूगल प्ले स्टोर की है। तो जाके गूगल प्ले स्टोर पे बेटर प्लेस मनी एप्लीकेशन के सामने ही आप जाओगे एंड वहां पे आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। या दूसरा वे सबसे आसान ये है कि अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर को ओपन करो, सीधा जाके बेटर प्लेस मिनी एप्लीकेशन सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी यहां तक इस एप्लीकेशन के बारे में और जानकारी तक लेके आया ताकि आपको जानकारी मिल सके कि ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए का लोन, कितने समय के लिए लोन, और किस ब्याज दर पे, किस प्रोसेसिंग फीस पर, कैसे कैसे लोन मिल सकता है। बाकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद लोन को अप्लाई करने का प्रोसेस तो पूरा तरीका मैंने वीडियो के अंदर बता ही रखा है। तो यही था इस वीडियो में। अच्छा, दूसरी चीज एक और बतानी है कि यहाँ पे मान लो कि बहुत रेयर केस में कि किसी ना किसी वजह से अगर लोन ना हो पाया अप्रूव या लोन नहीं ही मिलता है तो दूसरा दो एप्लीकेशन बताओ। तो देखो सबसे पहले बता देता हूँ आपको, मैंने रिसेंटली 5 एप्लीकेशन के बारे में वीडियो दी थी। एक तो इसको जाकर देख लेना फर्स्ट, और एक लोन डिजिट जो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली लोन देने का काम कर सकता है। तो यही था पूरा प्रोसेस वीडियो का। आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बाकी कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट बॉक्स में लिख के बिंदास पूछ सकते हो।